वापस आ गया तू? विजय 12 साल का बच्चा है, अगर आज नहीं बचा पाए तो कभी नहीं बचा पाएंगे। जानी, अरे हम पुलिस लेकर आते, इट कैन बी डेंजरस यार। उसके साथ किसी भी वक्त कोई भी अनहोनी घटना घट सकती थी। अपनी जान की परवाह ना करके जानवी उसे बचाने में लगी थी। क्या जानवी की कोशिश कामयाब होगी या अपराधी का मंसूबा? आज हम एक ऐसा केस देखेंगे जहां अपराध तो होता है लेकिन उससे भयानक उसके पीछे की वजह है। ये केस सोचने पे मजबूर कर देता है कि एक नाराजगी किसी को किस हद तक ले जा सकती है। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया स्वागत करती हूँ आपका क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के आज के एपिसोड में। पिछले साल हमारा सेल सबसे ज्यादा मेट्रो सिटीज में हुआ था, लेकिन पाल प्राइवेट लिमिटेड का टारगेट स्मॉल टाउन्स है, इसलिए मैंने सेल पिच उसके हिसाब से चेंज किया है। तुमको मेल करो तुम। हेलो, हाँ जानवी। नहीं, अभी लंच नहीं हुआ। अरे मालूम है मुझे, 3 बज गया। तुम जाओ, टीम को ब्रीफ दो, मैं मेल करता हूँ। ओके अविनाश। हाँ मैं मीटिंग में हूँ, मैं कर लूँगा। हाँ ओके, बाय। संध्या, तुम टीम लीडर हो, सुबह 6 बजे टीम को बुलाना पड़े तो बुलाओ। कल शाम तक मुझे प्रेजेंटेशन रेडी चाहिए। बहुत लेट हो गए साहब आप। जानवी, कब से बेल बजा रहा हो यार, दरवाजा तो खुलना चाहिए। जानवी, जानवी कहाँ हो यार तुम? अविनाश, आज डिनर पे चलें क्या? आज नहीं जानवी, आज का आपने थोड़ा ज्यादा है, आज नहीं जा सकते। कल रात के झगड़े के लिए अभी तक नाराज हो क्या? नाराज नहीं हूँ जानवी, काम थोड़ा ज्यादा है। कल तक क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देना है, तभी तो तुम्हारे साथ नागपुर जा पाऊंगा। तुम काम शॉप के लिए करते हो कि, पर मुझे तो घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करना पड़ता है ना, तो या तो तुम्हारे साथ डिनर कर लूँ या फिर काम। अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, अगर बिजी हो तो कोई बात नहीं। मैं तुमको छोड़ दूँ? नहीं, मैं थोड़ा लेट जाऊंगी। ओके। सलाम साहब। हेलो। देखो प्रतीक, मैं 2 साल से तुम्हें काउंसिल कर रही हूँ और 2 साल कर सकते हो, लेकिन ये तुम्हें ही डिसाइड करना है कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है आगे। तुम अपनी लाइफ में हर चीज़ को ग्रांटेड लेते हो। अभी अपने फादर की कंपनी हैंडल कर रहे हो, वो भी तुम्हें इजीली मिली, और बाकी काफ़ी चीज़ें तुम्हें इजीली मिली है। तुमने कभी स्ट्रगल ही नहीं किया। यू नीड टू स्ट्रगल इन योर लाइफ नाउ। और असली स्ट्रगल देखोगे ना तो ये छोटी छोटी चीज़ें कोई मायने नहीं रखेगी। फ्यूचर की तरफ देखो, पास्ट में मत जियो। हाँ हाँ अविनाश, बस लंच टाइम पे कर लेना। हेलो, हाँ
फोन क्यों उठा रही हो? किस बात का बदला ले रही हो तुम हमसे? अरे अंदर कहाँ चले आ रहे हैं, पहले बाहर निकलिए आप। बार बार प्यार से समझा रहे हैं, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लो, समझ में नहीं आता? तुम्हारे बहन का चरित्र खराब है और तुम मेरे बेटे धर्म पे इल्जाम। हाथ में रहिए प्रताप जी, ललिता दीदी को उल्टा सीधा कहने से धर्म जीजा जी केस नहीं जीत जाएंगे। कोर्ट में केस जाएगा तो तुम्हारी बहन की बदनामी होगी ना। जो होगा हम लोग देख लेंगे, लेकिन आपकी धमकियों से डर कर पीछे नहीं हटूंगी मैं। अरे जो इतना बौखला रहे ना, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको पता है कि धर्म को सजा होगी, और इस बात को जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेना कि आपके बेटे ने गलत किया है उतना अच्छा होगा। ए जानवी, मैं तुम्हारा पेशेंट नहीं हूँ जो मुझे काउंसलिंग कर रही हो। आखिरी बार कह रहा हूँ, सेटलमेंट कर लो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मामा। चाह। क्या हुआ विनाश? चाह तो तुम्हारे घर पे है क्या? नहीं तो, जानवी तो आज क्लीनिक से जल्दी घर आ गई थी इसलिए चाहत मेरे पास नहीं रुकी। अविनाश क्या हुआ, सब ठीक तो है? अविनाश हेलो हेलो, बच्ची जिंदा चाहिए तो 10 लाख तैयार रख, कल रात 8 बजे आरे कॉलोनी में बड़े वाले मंदिर के पीछे। कौन बोल रहा है? हेलो कौन बोल रहा है? मेरी बच्ची कहाँ है? बच्ची जहाँ भी है सही सलामत है, पैसे दे तेरी बेटी 1 घंटे में घर पहुँच जाएगी। मेरी बच्ची को कुछ मत करना, मैं पैसे दूंगा। मेरी बच्ची को प्लीज कुछ मत करना। हेलो 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 हेलो, हेलो पुलिस स्टेशन। क्या इस जुर्म की आहट पहले ही सुनाई दी गई थी जिसे कई लोगों ने नजरअंदाज किया था? क्या किसी की नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि जानवी की इतनी बेरहमी से हत्या की गई? चाहत कहाँ थी, किस हाल में थी, कौन था चाहत का किडनैपर? क्या एक पिता की उम्मीद और पुलिस के भरसक प्रयास चाहत को सही सलामत घर वापस ला पाएंगे? आसपास के थानों को इन्फॉर्म करो, 8 साल की बच्ची का किडनैप हुआ है, आधे घंटे के अंदर उसकी फोटोग्राफ सब जगह सर्कुलेट हो जानी चाहिए। शहर से बाहर जाने वाले जितने भी चेकिंग पॉइंट हैं, एक भी गाड़ी बिना चेकिंग के शहर से बाहर नहीं जानी चाहिए। अपने खबरियों को नींद से जगाओ और जीआरपी को इन्फॉर्म करो। टेक्निकल टीम निकल गई है। विक्टिम का नाम जानवी शर्मा है, उम्र 30 साल, पेशे से साइकोलॉजिस्ट और पति का अपना स्टार्टअप है, मार्केटिंग फर्म है, यानी कि वो रैंसम मनी पे कर सकते हैं। लेट्स गो। जानवी की बॉडी को तुमने सबसे पहले देखा था, जब तुम रात 11 बजे घर आए तुम्हें कुछ अजीब लगा? दरवाजा खुला था या बंद था? जानवी तो मर चुकी है सर, उसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। फिलहाल आप मेरी बच्ची को ढूंढिए, पता करिए किसने किडनैप किया उसे। जिसने जानवी का कत्ल किया है उसी ने चाहत को किडनैप किया हो सकता है। जानवी के किलर का लिंक मिलते ही चाहत भी मिल जाएगी। जानवी साइकोलॉजिस्ट थी ना, घर कितने बजे आया करती थी? आज थोड़ा जल्दी आ गई थी, 2:30 बजे के आसपास उसने कॉल किया था मुझे, बोली तबीयत ठीक नहीं है, हेडेक हो रहा था उसे। किसी भी तुम्हें डाउट है जानवी की किसी से दुश्मनी या कोई मनमुटाव या झगड़ा हुआ हो? अविनाश अब से तुम्हारा फोन टैप हो रहा है, जो भी तुम्हें कोई कॉल करेगा हम उसे ट्रेस कर लेंगे। बस जो भी तुम्हें कॉल करे इतनी कोशिश करना कि उसे 30 सेकंड से ज्यादा बात करना। घर से कोई कीमती सामान या कैश भी गायब है? पता नहीं सर, मैंने अभी चेक नहीं किया। तुम्हारा और जानवी का रिलेशन कैसा था? ठीक। तुम ऑफिस कितने बजे निकले थे घर से? रोज की तरह 9 बजे निकला और 9:30 बजे ऑफिस पहुंच गया। दिन भर ऑफिस में ही रहे या ऑफिस से बाहर निकले? कहाँ जाऊंगा सर, ऑफ कोर्स ऑफिस में था। और आप लोग मुझसे सवाल करने से बेहतर है कि मेहरबानी करके आप मेरी बच्ची को ढूंढिए। जिस नंबर से मुझे कॉल आया था उसको ट्रेस व्रेस जो करना है आप लोगों को करिए, पर मेरी बच्ची को ढूंढिए सर। अच्छी सवाल जवाब किए जा रहे हैं आप लोग। सर आपको अविनाश पर शक है? दरवाजे पर जबरदस्ती घुसने के निशान ही नहीं। सीसीटीवी फुटेज चेक करो। अविनाश का कहना है कि सुबह 9 बजे ये घर से निकला और रात 11 बजे घर लौटा, ऐसा हुआ भी था या नहीं? और इसके ऑफिस में भी पता करो, इस दरमियान ये ऑफिस में था या ऑफिस से बाहर निकल गया। अविनाश तुम क्यों बार बार अमित का नाम लेते रहते हो? देखो तुम्हें जो सोचना है तुम सोच लो, ले देकर एक प्रॉपर्टी तो मेरे नाम पर है, अभी जॉब छोड़ दूं, घर बेच दूं और नागपुर चले जाऊं। क्यों लेकिन, वो भी उस घर में रहने जो तुमने तुम्हारी मम्मी के नाम पे लिया है। अरे अविनाश मेरी सिक्योरिटी का क्या, मैं कहाँ जाऊं? क्या सिक्योरिटी, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जानवी सब कुछ तुम्हारा ही तो है, उस घर पे उतना तुम्हारा भी हक है, बाद में सब तुम ही संभालोगी। लेकिन मुझे नहीं संभालना अविनाश, मैं नहीं रह सकती तुम्हारी कंट्रोलिंग माँ के साथ, पूरे टाइम ये खाना बनाओ वो काम करो, इसको संभालो उसको संभालो।
अरे इतनी पढ़ाई लिखाई क्या मैंने हाउसवाइफ बनने के लिए की थी? तुम जानते हो मैं करियर वुमन हूँ। करियर वुमन सभी होती है जानवी, पर शादी के बाद मैनेज करना पड़ता है। और मैं तुमसे बहस ही क्यों कर रहा हूँ? तुम कभी नहीं समझोगी। तुम्हारी लाइफ में जाओगी ना तभी मुझे शांति मिलेगी। अगर मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं रही ना अविनाश, तो तुम चाहत को भी कभी नहीं देख पाओगे। सर ये सीसीटीवी कैमरा की वायर यहाँ अंदर से आई, यहाँ अंदर से आज सुबह ही कट किया गया। सुबह 8 बजे तक की फुटेज है, उसके बाद की नहीं। 8 बजे यानी कि जब अविनाश 9 बजे घर से ऑफिस के लिए निकला होगा तब ये कैमरा बंद रहा होगा। सर गार्ड ने कंफर्म किया, अविनाश सुबह करीब 9 बजे घर से निकला था और रात को 11 बजे आ गया था। उसके बीच वो घर नहीं आया। और सर सुबह से जिनकी भी एंट्रीज हुई है उन्हें हम चेक कर रहे हैं। और सर चाहत दोपहर में करीब 2:30-3 बजे ट्यूशन से वापस आई, उसके बाद खेलने गई और रात को 8 बजे वापस आई थी घर। यानी कि चाहत की किडनैपिंग रात 8 बजे के बाद हुई होगी। सर चाहत को बिल्डिंग के बाहर ले जाया गया, उसे किसी ने देखा, ऐसे कैसे हो सकता? हो सकता है उसे बेहोश किया गया हो, या फिर ये भी हो सकता है वो किसी भरोसे वाले आदमी के साथ बाहर गई हो। अविनाश अक्सर ऐसे केसेस में पति ही होता है, लेकिन बिना किसी एविडेंस के हम उसे अज्यूम नहीं कर सकते। अगर ये वायर यहां से काटी गई है तो जाहिर सी बात है कि कोई अंदर सोसाइटी का ही आदमी हो, क्योंकि अगर कोई बाहर से अंदर आया होता तो गार्ड ने उसे जरूर नोटिस किया होता या फिर सीसीटीवी कैमरा में जरूर कैप्चर हुआ होता। ए अनिल सर, इस गार्ड को लाना। चलो। नमस्ते साहब। क्या रे, तेरी जानकारी के बिना कोई ये वायर काट गया? अगर इस वायर को काटने में मुझे तेरा हाथ मिला ना तो तेरा हाथ काट डालूंगा। साहब मैंने कुछ नहीं किया। साहब अविनाश के घर रेगुलर कौन कौन आता जाता था? सर एक काम करने वाली भारती करके थी, लेकिन 2 हफ्ते से शायद वो आई नहीं है साहब, शायद उसको मना कर दिया होगा साहब। उसका डिटेल मेरे पास है, आपको चाहिए तो देता हूँ साहब मैं। बहुत जल्दी है डिटेल देने की। एक बात बता, बाहर से कोई अंदर आया नहीं, अंदर से बाहर कोई गया नहीं, तो फिर यही एक रास्ता बचता है जहाँ से कोई आ जा सकता है। एक बात बता, इस ताले की चाबी किसके पास रहती है? साहब चाबी तो मेरे पास ही रहती है साहब, लेकिन वो ग्रिल खुलता नहीं साहब, वो लॉक बंद ही रहता है साहब। अब साहब अरे एक बात बताना भूल गया साहब। सर वो दिन के 2:30 बजे कल प्रताप सिंह आए थे मैडम से मिलने के लिए, उनकी एंट्री है साहब, दिखाऊं क्या आपको साहब? जानवी की बड़ी बहन ललिता का ससुर है प्रताप सिंह। कल दोपहर को जोर जोर से आवाज आ रही थी झगड़ा करने की, मैंने भी सुना था। किस बात पे लड़ाई हुई थी? कोई मनमुटाव था? ललिता के मर्डर केस में ललिता का जो हस्बैंड है धर्म, उसको जेल हुई थी। जानवी ने मर्डर केस किया था उस पर। और सर मरने से पहले ललिता का जानवी को कॉल भी आया था। वैसे पेशेंट्स के बारे में डिस्कस तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आज एक पेशेंट आया था, माय गॉड क्या बताऊं तुझे उसके बारे में। हाँ ललिता दीदी कैसी हो? अरे निपटा जा जल्दी, ना मुझे कुछ हो जाएगा। जानवी दीदी क्या बकवास कर रही हो, क्या हो जाएगा? नहीं ना मुझे कुछ मत करो ना। अरे दीदी हेलो हेलो दीदी दीदी खुशबू प्लीज चाहत का ध्यान रखना, मैं आती हूँ। अरे पर हुआ क्या बताएगी? अरे ललिता दीदी का फोन आया था, शायद धर्म जीजा जी फिर से उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, मैं आती हूँ। जा ललिता दीदी। धर्म कह रहा था कि वो सुसाइड है, इसलिए शायद सर उसे बेल भी मिली थी। अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप विजय से बात कर लीजिए, वो जानवी का बहुत अच्छा दोस्त है, वो यही इसी फ्लैट में रहता है। इस विजय का नंबर होगा आपके पास? हाँ सर। कमल मैं लिखा है 4-4-4-5-9। थैंक यू। अरे अविनाश कहाँ जा रहे हो बैग बैग लेके? ऑफिस। तुम्हारी बीवी का मर्डर हुआ है, बच्ची किडनैप्ड है और तुम ऑफिस जा रहे हो? आप लोग जब से आए हो सिर्फ उल्टे सीधे सवाल कर रहे हो, पर मुझे तो मेरी बच्ची के बारे में सोचना पड़ेगा ना। 10 लाख कहाँ से आएंगे ये सोचना पड़ेगा ना मुझे। मेरी प्रेजेंटेशन है, डील क्लोज हुई तो इमीडिएट टोकन मिलेगा। अविनाश मैं तुम्हें स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करूंगा तुम बाहर मत जाओ, कोई नजर रख रहा होगा तो। नजर तो रखा हुआ ही है, वरना किसी को कैसे पता चलेगा कि ऑफिस में मेरे डील क्रैक हुई है, पैसा मिलने वाला है। पर आप लोग बैठिए हाथ पे हाथ रख के, मेरी बच्ची है ना चाहत, मैं ले आऊंगा। सर विजय का फोन बंद आ रहा है, मैंने कई बार ट्राई किया। ये अविनाश प्रताप सिंह और विजय, इन तीनों की डिटेल्स चाहिए मुझे जल्द से जल्द। और वो गार्ड उसकी पूरी बैकग्राउंड निकालो, अलग अलग नाम देने में कुछ ज्यादा जल्दबाजी दिखा रहा था। सर जानवी का एक पेशेंट है, अमित वर्मा नाम है उसका, डिवोर्स केस चल रहा था अमित और उसकी वाइफ मिताली का, तो कोर्ट ने काउंसलर जानवी को अपॉइंट किया था।
अमित मिताली, एक साल हो गया इन काउंसलिंग सेशंस को। अब मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि वो डिवोर्स ग्रांट कर दें, लेकिन अगर तुम लोगों को अभी भी टाइम चाहिए सोचने के लिए तो नहीं जानवी, आई मीन डॉक्टर, दरअसल डिवोर्स हमने सोचने के बाद ही फाइल किया था। एक साल तो बस हम फॉर्मेलिटी कर रहे थे। बात ट्रस्ट की है जो शायद मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। इतने डिफरेंस के बाद हमारा अलग होना ही ठीक है। इनको जो करना ही करे, जिनके साथ रहना ही रहे। आई एम सॉरी जानवी। डिवोर्स 6 महीने पहले हुआ था, लेकिन उसके बाद भी जानवी अमित को बाहर मिलती थी। प्रताप सिंह, यस, चाहत कहाँ है और कौन कौन शामिल है तुम्हारे साथ इस किडनैपिंग और मर्डर में? चाहत का किडनैप हो गया है, मर्डर किसका हुआ है? ज्यादा होशियार मत बनो, बदला लेना था तुम्हें। जानवी और उसके पूरे खानदान को धमकी दे रहे थे तुम। वो तो मैंने उन्हें डराने के लिए कहा था। कल रात को कहाँ थे तुम? मैंने कहा ना आपसे, मैंने कुछ नहीं किया। मतलब पूरी प्लानिंग करके बैठे हो, है ना? प्लानिंग मैंने नहीं, अविनाश और उस प्रीति ने की होगी। प्रीति कौन है? ये प्रीति अविनाश के लिए उसके मम्मी पापा से भी बढ़कर है। अविनाश का एक नया बड़ा मकान है नागपुर में, वहाँ ये लड़की 20-22 साल की, पिछले 3 साल से रह रही है फ्री, कोई रेंट नहीं। जबकि अविनाश ने अपने मम्मी पापा को नागपुर में एक छोटे से पुश्तैनी मकान में रखा है। तुम्हारे घर के बाहर एक कांस्टेबल हमेशा तैनात रहेगा। शहर छोड़कर भागने की कोशिश ही मत करना। ठीक है, नहीं जाएंगे शहर के बाहर। जेल तो आपको भी जाना चाहिए था। आपको भी पता था ना कि धर्म मारता था ललिता दीदी को, लेकिन आपने कभी भी नहीं रोका। अगर एक बार भी रोका होता ना तो आज दीदी हमारे साथ में होती। ए जानवी, हाथ जोड़कर खड़े हैं तो सर पे चढ़ रही हो, कुछ ज्यादा उछलने की कोशिश की ना तो खून के आंसू रुलाऊंगा। हाँ पता है, पता है, जानवी का मर्डर हो गया है और उसकी बेटी भी लापता है। मैंने कहा था ना, खून के आंसू रोएंगे वो लोग। सर, सर जानवी की प्रीलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के मुताबिक जानवी की मौत रात 7:30 से 8:30 के बीच हुई। सर और माथे पर चोट के निशान, यानी कि उस फूलदान से सर पे वार किया गया होगा। सर स्ट्रैंगुलेट तो बिना टॉर्चर किए भी कर सकता था, पर किलर ने कोई पुरानी दुश्मनी निकाली। अविनाश तू टेंशन मत ले यार, तेरी बेटी मेरी बेटी जैसी है। अगर तेरे को और पैसों की जरूरत पड़ती है ना तो आधा घंटा पहले मुझे बता दे, मैं अरेंज कर दूंगा। धीरेन्द्र शर्मा, आर्किटेक्ट, मैं अविनाश का दोस्त हूँ, रैंसम के पैसों में उसकी हेल्प कर रहा हूँ। अपनी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से कर नहीं रहे हैं आप लोग। एसीबी सक्सेना से बात करूंगा मैं इस बारे में। अविनाश डोंट वरी, चाहत हमें बहुत जल्दी मिल जाएगी। एक्सक्यूज मी, हमारे नागपुर वाले घर में प्रीति 3 साल से रह रही है बिना रेंट के, क्यों? क्योंकि वो घर मैंने रेंट पे देने के लिए नहीं लिया था। जानवी मेरे पेरेंट्स के साथ वहाँ शिफ्ट नहीं होना चाहती थी, इस बात को लेकर मेरा जानवी के साथ झगड़ा भी चल रहा था। जैसे ही मैं जानवी को कन्विंस कर लेता तो मैं प्रीति को बोल देता वहाँ से जाने के लिए और अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पे शिफ्ट हो जाता। प्रीति को लेकर कोई मनमुटाव हुआ था? किस घर में नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई अपनी वाइफ को मार के अपनी बच्ची को किडनैप कर लेगा। पर प्रीति तो करवा सकती कि वो प्रोफेशनल किडनैपर्स हैं, आप उनको पकड़िए। ये प्रीति और प्रताप को पकड़ के कुछ नहीं मिलेगा आपको। कैसे हो प्रीति? मैंने तुमको कहा था तुम मुझे कॉल मत करना, मैं तुम्हें दूसरे नंबर से कॉल करूंगा। अच्छा ठीक है, पुलिस को चाहत के बारे में कुछ पता चला क्या? अभी नहीं, और मेरे पास अपडेट देने का टाइम नहीं है। प्रीति मुझे कॉल मत करो।
हेलो, टाइम चेंज हो गया है, आज शाम 6 बजे बोरीवली नेशनल पार्क के पीछे। पहले मुझे चाहत की आवाज सुननी है। हेलो हेलो चाहत, चाहत बेटा तू ठीक है ना? हेलो हेलो चाहत, हेलो हेलो हेलो। एटलीस्ट प्रूफ ऑफ लाइफ मिला। सर किडनैपर ने जो पहला कॉल किया था उसकी डिटेल्स आ गई है, नंबर फेक एड्रेस पर है। पहले कॉल का लोकेशन थाने में माझीवाड़ा का है। चाहत का किडनैप हुआ मीरा रोड से, फोन आया माझीवाड़ा थाने से, और रैंसम के लिए बोरीवली नेशनल पार्क। ये किडनैपर को ज्यादा शातिर नहीं है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। सर जानवी की सीढ़िया रह गई है, उसकी किसी अमित वर्मा से काफी बात होती थी। फाइनली इतना वेट करने के बाद डिवोर्स तो हुआ। हाँ, रोज रोज के झगड़े से तो बेटर है कि सेपरेट हो जाओ। लाइफ की एक नई शुरुआत भी कर सकते हो तुम। अब तुम साउथ अफ्रीका चले जाओ ना, अपना स्पोर्ट्स एडवेंचर का शौक पूरा करने। मुझे जाना है यार, लेकिन मैं अकेले नहीं जाना चाहता। एक काम क्यों नहीं करती, तुम क्यों नहीं चलती? अविनाश को पता चला ना तो बवाल मचा देगा, और तुम जानते हो ना उसे हमारी दोस्ती कुछ खास पसंद भी नहीं है। हाँ तो अविनाश को भी ले चलो, तुम्हें मैं अकेले जाने के लिए तो नहीं कह रहा हूँ। चाहत का स्कूल है और उसे अकेले भी नहीं छोड़ सकती मैं। और ना अविनाश बिल्कुल मिताली के जैसा है, उसे भी एडवेंचर पसंद है। लेकिन तुम तो मिताली जैसी नहीं हो ना। और वो अविनाश की सीडीआर क्लियर है। और सर मर्डर वाले दिन भी उसकी फोन की लोकेशन उसके ऑफिस की ही थी, सुबह 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक। हाँ पीयूष बोलो। अभी जिस नंबर से किडनैपर ने कॉल किया था उसकी लोकेशन दादर है, तो चाहत दादर में ही होनी चाहिए। अपनी टीम को फौरन अलर्ट करो, हमारे पास 4 घंटे हैं। इससे पहले के किडनैपर बोरीवली पहुंचे हमें वहां पहुंचकर अपनी टीम को सेटअप करना होगा। और सर ये प्रीति जिसका कॉल आया था अविनाश को, इसका क्या करना है? प्रीति को थाने बुलाओ पूछताछ के लिए, अविनाश से पूछताछ करने का कोई फायदा नहीं है। हमारी प्रायोरिटी पहले चाहत को ढूंढना है। थैंक यू। कॉन्ग्रेट्स अविनाश। कॉन्ग्रेट्स अविनाश, डील क्लोज कर ली तुमने, काफी खुश भी लग रहे। एक्सक्यूज मी, किस किस को पता था इस डील के बारे में? पूरे ऑफिस को पता था, मेरे कुछ फ्रेंड्स, मेरे पेरेंट्स को। किस किस पे शक करेंगे आप? मुझे उन सबके नाम और नंबर चाहिए। जिस नंबर से किडनैपर्स का फोन आया था वो ट्रेस हुआ? कर रहे हैं, आप लिस्ट तैयार करिए। टीम लोकेशन के पास ही अविनाश, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारे पीछे ही रहूंगा। मुझे लगता है मुझे अकेले ही जाना चाहिए। हेलो, मैं पैसे लेके आ गया। कहाँ हैं आप? ए डेढ़ शाने, अपने ससुराल वालों की बारात साथ में लेकर आया क्या? सर मेरी बात सुनिए, मैंने किसी को नहीं बुलाया, मैं अकेले आ रहा था। ये लोग अपने मर्जी से आए होंगे। अच्छा गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए सर। मैं ज़्यादा पैसे ले लीजिए सर आप मुझे, पर मेरे बच्चे को कुछ मत करिएगा। लास्ट चांस दे रहा हूँ, पैसा डबल 20 लाख, कल फोन करूँगा। नहीं मैं अकेले आऊँगा, मैं किसी को नहीं लेके आऊँगा, और मैं दूंगा 20 लाख आपको। आप प्लीज़ मेरे बच्चे को कुछ मत करिए। हेलो हेलो मैंने कि मेरे पीछे कोई नहीं आएगा, फिर क्यों आए आप लोग? अगर आप लोगों की वजह से मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना, छोड़ूंगा ना मैं किसी को। अरे नहीं चाहिए पुलिस की मदद मुझे। किडनैपर ने कहा उसका पार्टनर, यानी कि कम से कम 2 लोग शामिल हैं इस किडनैपिंग और मर्डर में। सर रेगुलर गैंग जिनके खिलाफ किडनैपिंग के चार्जेस चल रहे हैं उन्हें खंगाल रहे हैं। अगर ये किसी गैंग का काम हुआ तो शायद हमें कोई लीड मिल जाए। गैंग का काम हो सकता है,
लेकिन इस प्लान का मास्टरमाइंड इनका कोई अपना जानने वाला है। जिस तरह से वो घर में घुसा किसी ने नहीं देखा, उसे पता था किस वक्त और कैसे बिल्डिंग में घुसना। सर, सोसाइटी की तरफ जाने वाले हर रास्ते के सीसीटीवी को चेक किया हमने, पर कोई लीड नहीं मिला। एक्सक्यूज मी। हेलो, ठीक है, आप वो स्टेटमेंट मुझे मेल कर दीजिए। सर, एक इंटरेस्टिंग बात पता चली, जानवी के अकाउंट से 70,000 रुपए कैश विड्रॉ हुए थे। कैश? कैश या कोई सामान गायब होने की बात तो हमारे सामने आई ही नहीं। सामने कई सस्पेक्ट्स थे, प्रताप सिंह, उसका बेटा धर्म, प्रीति, या इसके पीछे बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड का हाथ था, कोई ऐसा जो घर के करीब था, या फिर इसके पीछे अविनाश था, जैसा कि पुलिस को शक था। इस केस को देख के नाराजगी और स्वार्थ का जो खेल सामने आने वाला था, उसे देख के रिश्ते और इंसानियत से भरोसा उठने वाला था। लेकिन तुम तो मिताली जैसी नहीं हो ना। तुम एक काम करो, तुम अविनाश को डिवोर्स दे दो, हम शादी कर लेते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम चाहत की वजह से झिझक रही हो ना। मैं चाहत को अपना लूंगा तुम्हारे लिए, आई प्रॉमिस। अमित, मजाक की भी एक हद होती है, कैसी बातें किए जा रहे हो कब से? आइंदा मुझसे ऐसी बकवास मत करना कभी। जानवी, तो फिर इतना मिल क्यों रही हो मुझसे? तुम्हारे भरोसे मैंने मिताली को डिवोर्स दे दिया। आई आउट ऑफ योर माइंड अमित, तुम दोनों का रिश्ता पहले से खराब था, और मेरे पास काउंसलिंग के लिए आने से पहले तुम डिवोर्स पिटीशन फाइल कर चुके थे। यू नो व्हाट, अविनाश तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कहता है, आगे से मुझे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। पुरानी फ्रेंड थी, फिर अचानक 4 महीने पहले ही कॉल्स मिलना जुलना सब कुछ एक साथ बंद हो गया, ऐसे कैसे? गलत फहमी हो गई थी सर। देखिए, मेरा डिवोर्स हो रहा था, लोनली फील कर रहा था। जानवी से एगर से बाद मिला, वो स्मार्ट थी, फ्रेंडली थी, ब्यूटीफुल थी, उसकी काउंसलिंग को मैं प्यार समझ बैठा। तो फिर उसने मना कर दिया और तुमने उसे मार दिया। अरे, आप तो सीधा फैसले भी आ रहे हो, अगर ऐसे होने लगा तो फिर हर जगह लाशें लाशें पड़ी होंगी। हेलो, मैडम मुझे ये सब नहीं करना। सर, ये जो भारतीय है, जानवी की मैं, उसके पति के खिलाफ चाइल्ड मोलेस्टेशन का केस दर्ज हुआ था उसके गांव में। चाइल्ड मोलेस्टेशन? तो कहीं चाहत को उसी ने तो कुछ? सर, उसके गांव के सारे रिश्तेदारों और उसके फोन कॉल्स को टैप पर रखा। सर, मैं विजय, जानवी का नेबर। कहाँ थे तुम? तुम्हारा फोन कब से बंद आ रहा? सर, मैं मुरादाबाद गया था, ऑफिस से डायरेक्टली निकला था। तुम जानवी के दोस्त हो? हाँ सर, जानवी मुझसे काफी कुछ शेयर किया करती थी। सर, मुझे पता है, इन सब के पीछे प्रताप सिंह का ही हाथ है। हमने तो प्रताप से बात की, वहाँ तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। सर, मैं कह रहा हूँ, ये प्रताप सिंह ने किया है, उसके बेटे को जानवी ने 2 बार जेल भिजवाया था, और दूसरे केस में तो कभी बाहर ही नहीं आ पाएगा। दूसरा केस? लेकिन उसने बहुत पीना शुरू कर दिया था, उसकी नौकरी भी चली गई थी, और उसी के फ्रस्ट्रेशन में वो अपने बेटे पार्थ को बहुत मारना पीटना शुरू कर दिया था। सर, जानवी ने सब रिकॉर्ड कर लिया था, और पार्थ ने भी स्टेटमेंट दिया था कि धर्म से शराब के नशे में बहुत मारता पीटता है। सर, उस वीडियो के बेसिस पे जानवी को पार्थ की कस्टडी मिल गई थी, और प्रताप सिंह अपने बेटे के हालातों का जिम्मेदार जानवी को ही मानता था। ठीक है विजय, अभी तुम जाओ, जरूरत पड़ी तो बुलाएंगे। ठीक है सर। कमल सर, पता करो ये सच में मुरादाबाद गया भी था या नहीं, और प्रताप सिंह के पास बहुत बड़ा मोटिव है, अमित के पास भी हो सकता है, क्योंकि अमित जानवी के बहुत क्लोज था, शायद जानवी के घर भी आता जाता हो। सर, प्रताप सिंह और अमित दोनों को रिमांड पर लेते हैं, मैं धर्म से बात करता हूँ। बताइए सर, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? जानवी और चाहत के मर्डर में तेरा कोई हाथ है? अगर होगा तो मैं बता दूंगा क्या। तू तो यहाँ जेल में, अगर तेरा बाप भी इन्वॉल्व होना इन सब में तो भी यहीं आ जाएगा। सर, मैं खुश हूँ कि वो जानवी मर गई पलाटली में, लेकिन इसमें मेरा और मेरे पिता का कोई हाथ नहीं। भूत लेके आई, फिर बात करते हैं।
मैंने बोला था ना कॉल करूंगा, क्यों आई मुंबई तू? तुमने कॉल ही नहीं किया इसलिए मैं मिलने चली आई। क्या कर रही, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ मैंने मना किया था नहीं आना, फिर अपनी मर्जी से नहीं आई, पुलिस ने बुलाया था, आई तो रुक नहीं पाई इसलिए मैं मिलने चली आई। विनाश क्या तुमने चाहत को मारा है? तुमको समझ में आ रहा क्या बक रही हो तुम? बेटी थी मेरी वो, उसके डेड बॉडी देख के आ रहा हूँ मैं, और तुम देखो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं तुमसे बाद में मिलता। नहीं मेरी बात सुनो, सॉरी, रुको तो सही। सर चाहत की फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, मौत स्ट्रैंगुलेशन की वजह से हुआ है, पेट में आधा पचा हुआ खाना मिला है, कपड़ों और पैर के नाखूनों से रेड क्ले भी मिला है। रेड क्ले? लेकिन चाहत की बॉडी हमें जहां से मिली थी वहां तो कोई रेड क्ले नहीं दिखा था। हो सकता है किडनैपर ने जहां चाहत को रखा हो वहां से रेड क्ले उसके कपड़ों में लगा हो। कमल एक काम करो, चाहत की बॉडी हमें जहां से मिली है उसके आसपास का एरिया चेक करो, कहीं कोई खाली मकान या खाली जगह है, पता करो ये रेड क्ले कहां मिलता है और कहां इस्तेमाल होता है। जी सर। तुम कल मुंबई आई थी तो कल क्यों नहीं आई हमारे पास? अरे सर आपने मुझे बताया नहीं कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट हूं, वरना रेस्ट लिए बिना ही आ जाती। प्रीति जी रेस्ट तो आपने वैसे भी नहीं किया, अविनाश से मिली आप, सुनसान जगह पे मिली, घर पे मिल लेती ताकि इस टाइप के सवालों से बच सकूं, लेकिन फिर भी आप वही ट्रैक पर जा रहे हैं। ट्रैक चेंज कर लेते हैं, जानवी के साथ कैसे रिलेशन थे आपके? कोई कॉन्टेक्ट नहीं था, कभी मिली तक नहीं हूं। प्लीज कंटिन्यू, सुन रहा हूं मैं। अगर आप मुझ पे शक कर रहे हैं तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और अविनाश पर शक करने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि इनडायरेक्टली वो सारी प्रॉपर्टी जानवी के नाम कर रहा था, पार्थ की नॉमिनी और केयरटेकर बनाकर। जानवी अविनाश के साथ खुश थी? अविनाश खुश था? नहीं, वो चाहत की वजह से पूरी कोशिश कर रहा था। अविनाश फिर मुंबई शिफ्ट हो गया क्योंकि जानवी का नागपुर में किसी के साथ अफेयर चल रहा था। अमित के साथ? अमित के साथ भी था? मुझे नहीं पता, मैं तो अविनाश के फ्रेंड धीरेन के छोटे भाई के बारे में बात कर रही थी। धीरेन शर्मा वो आर्किटेक्ट? नहीं चाहिए आपका जस्टिस, जब मेरी वाइफ और मेरी बेटी नहीं रहे तो क्या करूंगा मैं आपके जस्टिस का, और वैसे भी मैं इस घर को बेच के अपने मम्मी पापा के पास नागपुर शिफ्ट हो रहा हूँ। आपको मजा आता होगा, केस सॉल्व करेंगे तो आपको मेडल भी मिलेगा, पर मैं आम आदमी हूँ सर, मुझे तकलीफ होती है, मुझे मेरी लाइफ में सुकून चाहिए। पैकिंग में हेल्प कर रही है, अभी आपको जो सोचना है सोचिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता आप उन लोगों को पकड़ नहीं पाएंगे, पर फिर भी मेरा नंबर और एड्रेस है आपके पास, जब भी जरूरत पड़े आप कॉल कर सकते हैं। बहुत अच्छा फोन है तेरा, चाहत की बॉडी से जो रेड क्ले मिली थी उसके बारे में कुछ पता चला? सर उस रेड क्ले से ईंट बनती है, कंस्ट्रक्शन साइट में यूज होती है, रेगुलर ईंट से सस्ती पड़ती है, और सर मुंबई में मोस्टली तमिलनाडु कर्नाटका और सदर महाराष्ट्र से डिस्ट्रीब्यूट होती है। मुंबई में किस किस जगह पे ये रेड क्ले यूज होती है उसकी जांच शुरू करते हैं। जी सर। और हाँ वो अविनाश की बिल्डिंग के गार्ड के बारे में कुछ पता चला? क्योंकि उस दिन जब हम उससे मिले उसकी गर्दन और कमीज पे मैंने बाल के छोटे छोटे टुकड़े देखे थे, मुझे लगता है मर्डर वाले दिन उसने बाल कटवाए थे। सर आपको वो गार्ड है ना, उस दिन बिल्डिंग के पास में एक सैलून में गया था शाम को 7:30 बजे। मर्डर 7:30 से 8:30 के बीच हुआ है। सर वो मर्डर के 2 दिन पहले भी 2 घंटे ड्यूटी से गायब हो गया था, पता किया तो 5-स्टार होटल में गया था। नया फोन, 5-स्टार होटल, ये चल क्या रहा है ये सब? सर एक विधि नाम की लड़की है, जानवी के क्लिनिक पे पैसे लेने आई थी, वहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट है वहीं से पता लगा। अभी विधि कौन? अविनाश का दोस्त आर्किटेक्ट, उसकी बीवी है, कुछ 1 हफ्ते पहले अलग हुए। सर 1 महीना पहले जानवी और विधि के बीच बहस भी हुई थी। अगर ऐसा कुछ था नहीं तो फिर जानवी ने विधि को पैसे क्यों दिए थे? सर वो तो विधि बता सकती है, ब्लैकमेल करती हो शायद। ये रहा विधि का फोटो। वॉशरूम में जाता हूँ। अरे अरे कुछ लगा हुआ था तुम्हारे बाल में? तो कल मिलते हैं चाय पे, बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी। वीकेंड पे प्लान करते हैं ना, अविनाश भी रहेंगे साथ में।
जानवी के मर्डर के कुछ दिन पहले विधि गायब हो गई थी बिना किसी कुछ बताए। अभी भी कोठे पे ही है वो? नहीं सर, एक कस्टमर के साथ गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। नया और महंगा फोन लिया है ना तूने? कहां से आया तेरे पास? साहब वो गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट किया है साहब। हमें पता है कि तूने मर्डर नहीं किया, लेकिन तुझे सब पता है कि किसने मर्डर किया। सच सच बता दे वरना दोनों मर्डर्स और किडनैपिंग का इल्जाम तेरे ऊपर डाल के यहीं बंद कर दूंगा, तुझे जाने नहीं दूंगा मैं। नहीं नहीं साहब, साहब ये मोबाइल और 10,000 रुपए मुझे मिले थे साहब, एक घंटे बाहर जाकर टाइम पास करने के लिए साहब। मुझे बाद में पता चला साहब कि जानवी मैडम का मर्डर हो गया है और चाहत बिटिया गायब है। साहब मैं डर गया था इसलिए कुछ बोला नहीं साहब। अब ये बता कि किसने पैसे दिए? सर धीरेन कई बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए एज एन आर्किटेक्ट काम करता था, उसे इतना तो पता होगा कि मुंबई में अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स कहाँ होंगे। पर धीरेन चाहत को किडनैप क्यों करेगा, मारेगा क्यों? देखते हैं धीरेन क्या कहानी सुनाता है। हाय, एक्चुअली मैं पास में ही आया था, सोचा चलो चलते हैं मिलके चाय पी लेंगे। आइए। चाहत नहीं है? नहीं, वो उसका स्पोर्ट्स डे है ना परसों, तो प्रैक्टिस करने गई नीचे। आप बैठिए ना, मैं चाय बनाती हूँ। शादीशुदा थी, एक बच्चे की मां थी, रिजेक्ट किया तो मार दिया दोनों को, गार्ड को तो बाहर भेज दिया था, लेकिन किसी और ने कैसे नहीं देखा तुझे? बाउंड्री वॉल कूद कर अंदर गया था मैं, वहां से कोई आता जाता नहीं है, जाल में तो आप फंसे गए थे। अविनाश नागपुर शिफ्ट कर गया होता, हवा में हाथ पैर मारते रहते। क्यों मारा उन दोनों को? तंग आ गया था मैं उससे, मैंने विधि से बोला अपनी मर्जी से डाइवोर्स ले ले, मानी नहीं वो। जानवी और चाहत को क्यों मारा? विधि प्रेग्नेंट थी, कोर्ट जाने की धमकी दे रही थी मुझे, कोर्ट जाती ना तो मैं सड़क पे आ जाता, इसलिए मैंने उसका काम खत्म कर दिया। ऐसी क्या नाराजगी थी उन तीनों से? विधि को मुझे नहीं मारना था, वो भाग गई, मैं तो चाहता था कि विधि जब मारी जाए तो मैं पुलिस को कहीं और से मिलूं। किसके साथ बनाया था ये प्लान? विधि को कौन मारने वाला था? मैं जानवी को मार दूंगा, तुम विधि को संभाल लेना। हमारी डील हुई थी बार्टर सिस्टम, अदला बदली का। धीरेन मेरी वाइफ को मारकर मुझे छुटकारा दिलाता और मैं उसकी वाइफ को मारकर उसे। सीसीटीवी के वायर मैंने काटी थी, उस वक्त जानवी वॉशरूम में थी और मुझे पता था कि खुशबू इतनी जल्दी उठती नहीं है। मुझे कॉल सेंटर से 9 बजे लौटता था, एक रात पहले मैंने जानवी के खाने में एक केमिकल मिलाया था, जिस वजह से जानवी की अगले दिन तबीयत खराब हुई और वो क्लिनिक से जल्दी वापस आई। सीसीटीवी का वायर काट के मैं अपने रेगुलर टाइम पर ऑफिस निकल गया। शक की वजह से मार दिया? शक की वजह से नहीं सर, फैमिली प्रॉब्लम थी। नागपुर जाने के लिए बोलता था तो हंगामा खड़ा कर देती थी, रोज रोज का हो गया था और ऊपर से उसका अफेयर, सब प्लान हो चुका था, फिर अचानक विधि गायब हो गई। धीरेन को लगा कि बिना कुछ किए ही उसे मुक्ति मिल गई, ये तो अब पता चल रहा है कि उसने हमारे प्लान को रिकॉर्ड कर लिया था। अगले हफ्ते सोमवार को विधि जब मंदिर जाएगी तुम्हें तब उसे रास्ते से खाना, एक ध्यान रहे उसकी लाश किसी को मिलनी नहीं चाहिए। ऐसे मैं दूंगा इतना भी चाहो, लेकिन सीसीटीवी तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। अगर हमें पहले पता चल गया होता कि विधि को सब कुछ पता है तो सबसे पहले विधि ही मरती सर। और चाहत का क्या, तुम्हारा जरा सा भी दिल नहीं पसीजा? क्योंकि वो मेरी बेटी नहीं थी, जानवी का गंदा खून थी, पता नहीं कौन था उसका का। तुझे अगर ऐसा लगता था तो जानवी के महके में छोड़ देता चाहत को, रोड पर छोड़ देता, हम ढूंढ लेते उसे। चाहत अगर जिंदा होती तो जानवी का धोखा मुझे बार बार याद आता। तो डीएनए टेस्ट करवा लेता? उसकी जरूरत नहीं थी, किसी और का गंदा खून थी, मुझे पता है। आदमी की आंखों पर वहम का पर्दा पड़ जाए ना तो सच का चमकता सूरज भी उसे दिखाई नहीं देता। तुझे याद है जब चाहत की डेड बॉडी मिली थी तो हमने तेरा और चाहत का डीएनए मैच करवाया था? मैच हो गया था, चाहत तेरी ही बेटी थी। ये
आदमी के सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या सच में एक इंसान स्वार्थ में इतना अंधा हो सकता है कि वो एक मासूम बच्ची के वजूद पर ही शक करे, अपनी बेटी की हत्या कर दे। विधि को खतरे का एहसास हो गया था, लेकिन जानवी को वार्न करने के बजाय उसने सिर्फ खुद के बारे में सोचा। उसने घर छोड़ दिया जबकि वो जानवी से अकेले मिली भी थी पैसों की मदद मांगने के लिए। खैर, विधि पुलिस के पास भी जा सकती थी, अगर उसने ऐसा किया होता तो 3 जिंदगियां बच जाती। जानवी काउंसलिंग करके पति पत्नी के रिश्ते में आए तनाव और झगड़े को दूर करती थी, लेकिन खुद एक एक्सपर्ट होके वो अपने रिश्ते में आए दरार को नहीं समझ पाई। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसका और अविनाश का रिश्ता कितना घुटन भरा था और असल में अंतिम सांसें ले रहा था। किसी भी रिश्ते में भरोसा और ईमानदारी दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर शक है तो बात करें, सुलझाएं मसले को, बड़े बुजुर्गों को बुलाएं और सुलह करवाएं। सुलह न हो पाए, भरोसा वापस ना पाए तो रिश्ते को खत्म कर दें, जैसे अमित और मिताली ने किया। क्योंकि जुनून में आके अपराध करना तो उपाय है ही नहीं, इससे किसी दूसरे की भी जिंदगी बर्बाद होती है और खुद अपराधी की भी। तो चलिए, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम, एक औरत परिवार अब हर औरत का भार। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।